जीत है सर, पूरी जीत, 100% जीत जी। ऐसे है मोदी योगी से किसी को घाटा नहीं हुआ, फायदा के अलावा। जनता की सोच यह है जो विकास करेगा उसको वोट दी जाएगी जी। विकास हुआ है? बहुत हुआ है। अखिलेश यादव राहुल गांधी ना कुछ नहीं करा उन्होंने, इन्हीं के अंग है मोदी जी की अंग। क्यों लगता है कि मोदी जी ही आने चाहिए? जैसे आप काम अच्छा कर रहे हैं, जब काम अच्छा कर रहे हैं तभी तो आएंगे। कि हिंदुओं को दिया जा रहा है, आपको कहीं छोड़ा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सबको बराबर समझ रहे हैं। ऐसा यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा ही है इस पर। अरे वो कहने तो जो सही काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी के बारे में क्या विचार? वो तो साहब उनका तो है ही नहीं कोई हिसाब किताब। हमारे तो मोदी की सिखा है। अच्छा, क्यों लगता है कि मोदी बढ़िया काम? सही काम करा, सही काम है, तो सही है, बढ़िया है। न्याय व्यवस्था कैसी है? पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी? आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब सुविधा है, बढ़िया है सब काम। अच्छा, क्या लग रहा है, क्यों चाहिए? ये मुझे चाहिए, गुंडे माफिया सब खत्म करा दिए। कांग्रेस सरकार में अनाज मिलता था सड़ा हुआ, अब वही मिलता नहीं था, वो भी मिल रहा है भरपूर, सड़कें भरपूर बन गई, सब कुछ सही है। विकास मेन चीज, चौमुखी विकास हो रहा है, इसलिए जनता मोदी जी को चुन रही है। आपकी बार 400 पार। भरोसा है या किसी और पे भरोसा? मैं बीजेपी पे भरोसा है। अखिलेश यादव राहुल गांधी कोई कुछ नहीं हो रहा है, भरोसा है। ये फिलीपींस में पूरे वार्ड भरोसा कर रहा है सर, पूरा संसार भरोसा कर रहा है आज के लिए। ऐसा थोड़ी है कोई, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। अखिलेश कहते हैं जंगल राज उत्तर। वो तो कहते हैं, उनके कहने से कुछ को हो रहा है, कुछ उन्होंने करा क्या है? कोई गरीबी नहीं है, आप पांचवी अर्थव्यवस्था विश्व की हो गई, कहां कौन कह रहा है गरीबी है जी। पार है 400 मोदी जी की, सौभाग्य है भारत का, सौभाग्य मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य योगी जैसे जो है मुख्यमंत्री मिले। सब लोग मोदी को वोट देंगे, जितिन प्रसाद को यहां से जिता के भेजेंगे, पूरा भरोसा है मैडम। 400 पार। सर क्या? तेजा सिंह बताइए सर, फिर क्या लग रहा है इस बार 19 तारीख की वोटिंग है यहाँ पर पीलीभीत में, जनता का क्या? जीत है सर, पूरी जीत, 100% जीत जी, 100% जी, 100 लग रहा है इस बार पीलीभीत की जनता मोदी योगी पर भरोसा क्यों कर रही है, जितिन प्रसाद को क्यों? ऐसे है मोदी योगी से किसी को घाटा नहीं हुआ, फायदा के अलावा। रोड बने हैं, अनाज सबको मिल रहा है, राशन और जो भी समस्या सब हल होती तुरंत जी। आपको लगता है कितना विकास जो है वो पीलीभीत में पिछले 7 सालों में किया गया है, और जितिन प्रसाद को लेकर आखिरकार यहाँ पीलीभीत की जनता की क्या सोच? जनता की सोच यह है जो विकास करेगा उसको वोट दी जाएगी जी। विकास हुआ है? बहुत हुआ है। अखिलेश यादव राहुल गांधी ना कुछ नहीं करा उन्होंने, और अखिलेश ने करा गुंडागिर्दी के अलावा कुछ नहीं करवाया। कहते हैं कि हम ज्यादा अच्छा काम करेंगे, हमारे राज में जो काम थे उन सब का पहले तो किया नहीं है, अब जब आएंगे तो उस टाइम फिर देखी जाएगी। आए तो पहले, अभी तो आने का मूड नहीं है कोई, ना ना ना। तो इतना क्यों नहीं लगता कि मोदी योगी से भी बेटर कोई और काम कर सकता है, फिर उन पे भरोसा? सर ऐसे है, 24 में तो योगी जी मोदी जी बन रहे हैं, और जो अगले बनेंगे ना 29 में वो भी बीजेपी ही बनेगी। इतना भरोसा क्यों है जी? इतना भरोसा क्यों है बीजेपी? भरोसा इसके लिए, सबको एक साथ समझते हैं, सबको एक बराबर समझते हैं, किसी का मतलब वो मुंह देखी बात नहीं है ना, पक्षपात नहीं है, पक्षपात नहीं है, विकास बिल्कुल। लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या मूड है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महकू है। अच्छा, ये बताइए फिर 19 तारीख को वोटिंग है यहाँ, 4 तारीख को किस सरकार के आने के नतीजे दिखाई दे? इन्हीं के अंग है मोदी जी की अंग। अच्छा, क्यों लगता है कि मोदी जी ही आने चाहिए? जैसे आप काम अच्छा कर रहे हैं, जब काम अच्छा कर रहे हैं तभी तो आएंगे। और न्याय व्यवस्था कैसी है आपको? बढ़िया है, सब बढ़िया है। जिस तरीके के दावे सरकार कह रही है कि हमने सबका विकास किया है, हुआ है? हाँ वो भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं को दिया जा रहा है, आपको कहीं छोड़ा जा रहा है? ऐसा नहीं है, सबको बराबर समझ रहे हैं। ऐसा यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा ही है इस पर? अरे वो कहने तो जो सही काम कर रहे हैं। हाँ, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? सुरक्षा अच्छा काम कर रहे हैं, सबको बराबर समझ रहे हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी के बारे में क्या विचार? वो तो साहब उनका तो है ही नहीं कोई हिसाब किताब। जैसा कि कहा जाता है ना कि हमारे काल में ज्यादा काम हुआ था, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ फील होता है? ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, आपको ना? ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है कि मोदी जी सबको बराबर लेके चल रहे हैं? हाँ, सबको बराबर चल रहा है, बढ़ रहे हैं। क्या नाम है? जाहिद अली। ये बताइए चाचा, फिर क्या माहौल है पीलीभीत का, जनता जो है? बढ़िया है। सरकार किसकी बना रहे हैं फिर? सरकार तो देखो साहब, किसकी बनाई तो सभी के पब्लिक के हाथ में है। तो फिर आपका क्या मूड है, क्या लगता है कैसा काम? हमारे तो मोदी की सिखा है। अच्छा, क्यों लगता है कि मोदी बढ़िया काम? सही काम करा, सही काम है, जो भी है सही है, बढ़िया है। व्यवस्था कैसी है? पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी? आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है,
सब सुविधा है, बढ़िया है सब काम, सुरक्षा फील करते हैं आप योगी राज? हाँ ठीक है। अखिलेश यादव के बारे में क्या? अब ये है कि मतलब उसको एक ही जगह वोट दी जाएंगे, एक ही जगह तो पड़ेंगे वोट। तो इस बार आप जो है वो क्या सोच के मोदी योगी को काम हो रहा है? सर हम बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा क्या लग रहा है, क्यों चाहिए? मुझे चाहिए, गुंडे माफिया सब खत्म करा दिए, कांग्रेस सरकार में अनाज मिलता था सड़ा हुआ, अब वही मिलता नहीं था, वही मिल रहा है भरपूर, सड़कें भरपूर बन गई, सब कुछ सही है। हाँ विकास हो रहा है पीलीभीत, बहुत विकास हो रहा है। हाँ राम मंदिर बन गया, किसी सरकार ने बनाया राम मंदिर, वही बन गया। कहता विपक्ष राम मंदिर बनने से रोटी नहीं मिली? अरे कुछ नहीं होता है, नहीं रोक पाएगी सरकार कोई, है कुछ नहीं हो पाएगा। भरोसा है मोदी? भरोसा, पूरा भरोसा है। 400 पार है मोदी? 400 पार है। हाँ भरोसा क्यों है? भरोसा यूँ है, हमारी माता बहने अब सब सुरक्षित घूम रही हैं, पहले गुंडे माफिया बहुत थे, हाँ बहुत गुंडा राज था पहले, सब करवा दिए, ऐसी तैसी करवा दिए, सब मरवा दिए। आप कहते हैं योगी राज में ज्यादा गुंडा? अरे नहीं है ना, ये तो कहने वाली बात है, उनकी उनकी सरकार में चोरियाँ होती थी बहुत, घर में भैंसें खुल जाती थी, जानवर खुल जाते थे, अब कुछ नहीं होता है कुछ, भाई ये सामान पड़ा रहता है, मेरी कैंटीन चलाता हूँ मैं कुर्सी छोड़ जाता हूँ ऐसी दुकान में, भाई ये बढ़िया की कुर्सी कौन छोड़ता है कुर्सी, कुछ कोई चोरी नहीं, तमाम चीज़ों में बदलाव, बहुत बदलाव, बहुत बदलाव। हाँ क्या लग रहा है सर, आ रही है 4 तारीख को सरकार, 19 तारीख को जो वोटिंग है पीलीभीत में, किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोटिंग? विकास मेन चीज, चौमुखी विकास हो रहा है, इसलिए जनता मोदी जी को चुन रही है, अब की बार 400 पार। जी बिल्कुल, विपक्ष लगातार कह रहा है कि कहीं ना कहीं घोटाला है, इस तरीके से जनता भरोसा नहीं करने वाली, और चोर मौसेरे भाई होते हैं, इसलिए वो आपस में मिल गए और वो मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आएंगे मोदी जी। भीड़ जो है वो आप तमाम देख सकते हैं कि अगर हम कैमरा भी दूर तक करें तो जहाँ पर जो है वो लाखों लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। सर क्या माहौल लग रहा है 19 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है, किन मुद्दों को लेकर जनता वोटिंग? बहुत बढ़िया माहौल है इस टाइम, क्योंकि योगी मोदी जी की सरकार है, सब सुरक्षा में है, यहाँ पर कोई किसी को परेशानी नहीं है, जनधन योजना मिल रही है उनके लिए, सब कुछ मिल गया, और क्या रह जाएंगे, मिल गया, भरोसा ही बढ़िया है, तो बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार चलना चाहिए ऐसी। सरदार जी मक्खन सिंह जी, ये बताइए आपको क्या माहौल लग रहा है 19 तारीख को, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने जा रही है? बीजेपी को करेगी वोट जी, बीजेपी को करेगी। हाँ जी, क्यों भरोसा लगता है आपको कि बीजेपी या मोदी जी ही बढ़िया काम कर सकते हैं? बढ़िया काम कर रही है ये बीजेपी सरकार, बहुत सुविधा मिल रही है। ज्यादा भरोसा है या किसी और पे भरोसा? मैं बीजेपी पे भरोसा है मैं तो। अखिलेश यादव राहुल गांधी कोई कुछ नहीं हो रहा है? हाँ जी कुछ नहीं कह रहे हैं, इस बार हम डबल काम करके देंगे जनता, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सब खाली हैं, वो खाली हैं, वो लोग बिल्कुल खाली हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। शारदा पार से तो बोर्ड उनको कोई मिलना नहीं है, नेपाल बॉर्डर पे इधर मिलना, कमल पे फूल पे ही। हाँ जी कमल के फूल, कमल के फूल ने काम नहीं किया, झूठी गारंटियां दे रहा प्रधानमंत्री, वो कहने में जो बकवास करते हैं, हमारा तो काम हुआ है। कौन से काम जो है वो आपको इस सरकार के पसंद आए हैं 2017 से लेकर? एक गुंडागर्दी खत्म हो गई, भूमि माफिया जो है सब खत्म है, 3 तलाक खत्म, और रोडें बन रही हैं, सड़कों बन रही हैं, बहुत बढ़िया काम। यादव कहते हैं हमारे काम का क्रेडिट ले रहे हैं योगी जी, कोई कुछ नहीं, वो क्या कर रहे अखिलेश यादव, खाली बकवास कर रहे हैं, खाली बकवास कर रहे हैं। ये बताइए मुख्तार अंसारी की पिछले दिनों मौत हो गई, जिसको लेकर विपक्ष आज भी रो रहा है, कह रहा है जहर दे के मार दिया गया। नहीं जहर देगा तो नहीं मारा, भरोसा वैसे सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ, झूठ का जवाब देगी जनता? बिल्कुल देगी। 400 पार है या नहीं? बिल्कुल पक्का है, पक्का 400 पार पक्का। मोदी पर भरोसा है पीलीभीत? बिल्कुल भरोसा है जी, देश को नहीं पूरे देश के लिए भरोसा है, एक पीलीभीत नहीं पूरे वार्ड भरोसा कर रहा है सर, पूरा संसार भरोसा कर रही है आज के लिए, ऐसा थोड़ी है कोई ना, छोटे मोटे नेता नहीं, आज तक उन्होंने किसी के संग में कोई बुरा भी नहीं किया, आज तक सबकी जनता को सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। अखिलेश कहते हैं जंगल राजा उत्तर, वो तो कहते हैं उनके कहने से कुछ को हो रहा है, कुछ उन्होंने करा क्या है, कुछ भी नहीं करा है यार, तो जितिन प्रसाद पे भरोसा क्यों? क्यों इसलिए वो भी कैबिनेट के मंत्री हैं, पुराने रह चुके हैं, ऐसा थोड़ी है। कितना काम पीलीभीत में हुआ? पीलीभीत में इससे पहले कुछ काम ही नहीं हुआ पाया था, आप जो आए उन्होंने काम करेंगे बढ़िया, अपना
हाँ ये चार तारीख चार पूरी सरकार 400 पार है पक्का पक्का 400 पार है एकदम 400 पार क्यों है 400 400 पार विकास के काम पर है विकास के वजह से है। अभी देखिए विकास का पूरा सड़कों का जाल बिछ गया वर्ल्ड में आपका जो नाम और जो स्टेटस भारत का बना है मोदी जी के संरक्षण में हुआ है मोदी जी की अगुवाई में हुआ है और यहाँ पर तीन तलाक जैसे मुद्दे को उन्होंने ख़त्म किया उसके बाद से धारा 370 खत्म किया किन परिस्थितियों से उबार करके भारत को कहाँ से ला के कहाँ खड़ा कर दिया है जाकर काम कर रहे हैं पर देश में काम नहीं हो रहा विपक्ष का भी बहुत काम हो रहा है मैडम मैं आपसे बताना चाहूँ देश में बहुत काम हो रहा है जनता को सीधे भाई वहाँ से पैसा चलता था और पैसा आते आते जनता के पास ख़त्म हो जाता था आज अगर 100 रुपया चलता है तो 100 रुपया जनता के खाते में आता है अगर 10 लाख चलेगा 10 लाख ये जो इंदिरा आवास का है प्रधानमंत्री आवास का है सीधे जनता के खाते में पैसा जाता है कोई बीच का दलाल नहीं कोई कुछ नहीं कोई एक पैसा लेने वाला नहीं है देश में गरीबी है कोई गरीबी नहीं है आप पांचवी अर्थव्यवस्था विश्व की हो गई कहाँ कौन कह रहा है गरीबी है सबके सबके हाथ में आप यहाँ देखिए जितने बंदे आए हैं 25,000-20,000 से कम किसी के पास फोन नहीं है तो कोई गरीब आदमी 20,000 का फोन लेके चल सकता है आप बताओ जरा कोई गरीब आदमी लेके चल पाएगा सब स्मार्टफोन से चल रहे हैं और कहाँ से गरीबी है भैया गांधी कह रहे हैं हम ज्यादा नौकरियां देंगे 30 लाख ओए भाई 70 साल में दे नहीं पाए तो अब क्या दे देंगे कहाँ से दे देंगे हम लोगों की पूरी टीम देखिए शारदा पार से आई है रामनगर मंडल से हमारा नाम जनार्दन दुबे हमारे सब साथी लोग हैं और 600 लोग वहाँ से आए हैं 600 लोग मोदी को ही वोट देंगे या सिर्फ देखने आए को सब के सब अपने देंगे भी लोगों से दिलाएंगे भी सब लोग मोदी को वोट देंगे जितिन प्रसाद को यहाँ से जिता के भेजेंगे है। पूरा भरोसा है मैडम 400 पार 400 पार 400 मोदी की गारंटी पर पूरा मोदी की गारंटी पे मोदी की हाँ जी गारंटी पे भरोसा है हाँ हम भी वोट देंगे मोदी लाल के लिए जाएंगे बिल्कुल देंगे और पूरा सारे के सारे वोट मोदी के लिए जाके चले देंगे भरोसा है सर हाँ भरोसा हमारे लिए है बहुत भारी हम तो उन्हीं के हैं हमेशा वोट उन्हीं को देते हैं इन्हीं को पूरे परिवार भर क्षेत्र पूरे परिवार के लिए देते हैं किसी के लिए नहीं बदलते हैं वोट हमेशा देते हैं जी पार है 400 मोदी जी की जी सौभाग्य है भारत का सौभाग्य मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले उत्तर प्रदेश का सौभाग्य योगी जैसे जो है मुख्यमंत्री मिले इनकी बागडोर में हमारे भी सौभाग्य हैं जो कि ऐसे ऐसे नेतृत्व के प्रधानमंत्री के जी उनके साथ में हम लोग रह रहे हैं तो इनके पार ही है साहब बिल्कुल पार है यादव राहुल वो जी सब जो हैं अपने पीछे हैं अब इनको राहुल गांधी को अभी यही नकल नहीं है कि बाजरा से भी वो आलू निकाल देते हैं और उनको इतना नहीं है वही कह रहा है किसानों के लिए हम सबसे ज़्यादा काम करें अब वो कहने में हैं करने में 70 साल नहीं किया उन्होंने अब 70 साल से उन्होंने नहीं किया अब 10 साल में जो मोदी ने करके दिखाया है भारत की पहचान बना दी विदेशों में भारत की पहचान बनी है मोदी के नाम से भारत की और 70 साल से कुछ नहीं हो पाया और हमारे लिए बहुत कुछ हुआ है भारत में बहुत कुछ साहब हाँ मोदी होगा जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद राहुल गांधी अखिले गए जय श्री राम जय श्री राम जिंदाबाद मोदी सरकार तो आ ही रही है अखिलेश यादव राव वो तो खत्म हो गए अखिलेश यादव के पीछे क्यों पड़े हैं भाई क्या बात है दावेदार ही इधर सरकार भाई सब बढ़िया हैं जो आई हैं सब बढ़िया हैं मोदी जो जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं जो करेंगे वो बढ़िया करेंगे मोदी जी पे भरोसा है भरोसा मोदी जी पे बहुत है और मोदी जी पे भरोसा रहेगा हाँ आ रही है सर क्या नाम है आ रही है सरकार मोदी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मोदी मोदी जी सरकार है मोदी का वोट देंगे क्यों लगता है मोदी बढ़िया काम हाँ मोदी बढ़िया काम करता है मोदी बढ़िया काम करता है बढ़िया काम हाँ। क्या बढ़िया काम लगाओ जो इधर सड़क वड़क है रोटी खवाओ पैसा देता है रोटी बनाता है रोटी के पैसा देता है जी कैसा काम अच्छा करता है राहुल गांधी के बारे में वो भी अच्छा करता है एक चुनना जाए तो कौन चुने हाँ एक चुनना का जो सबका चुनेंगे हम चुनेंगे जो लोगों से बात करते हैं।